सो गाइज यार, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो आप ओटीसी में यूज करके 100% एक्यूरेसी के साथ में भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। गाइज 100% की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैंने बहुत बार यूज करी है, काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ गाइज इन असेट्स की, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ एंट्री, यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो दो ट्रेड्स मैंने डाउन डायरेक्शन के लगा दिए हैं। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे अगला वीडियो आपके पास में सबसे पहले नोटिफाई हो। गाइज मैं देखो यहाँ पर आप लोगों को बताऊं तो रिजल्ट आप लोगों के सामने, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोग जब देखोगे तो आपको ये असेट्स तो मिलते ही है ओटीसी के, लेकिन आप अगर ट्रेड करना चाहो तो काफी सारी करेंसीज होती है जैसे इंडेक्स, क्रिप्टो, इनमें भी चूज कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं गाइस सिर्फ और सिर्फ ओटीसी की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो ट्रेड मैंने लगाई है उसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मार्जिन के साथ में जा रहा है। तो क्या कॉन्सेप्ट है ऐसा जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस की 22 सेकंड्स के बाद अप्रोक्सीमेटली ये ट्रेड हम विन करने वाले हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के थ्रू सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आप ये स्ट्रेटेजी यूज करके ओटीसी में 100% एक्यूरेसी के साथ में प्रॉफिटाइज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है मेरा, तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है गाइज, और जो ट्रेड्स थी हमारी वो प्रॉफिट में गाइज क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, आप लोग देखो जहां पर मैंने ट्रेड ओपन किया था उससे ज्यादा काफी ज्यादा मार्केट डाउन आ चुका है। तो कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे होगा जिसको देख करके मैंने ट्रेड लगाया था, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटेजी, कोई चार्ट एनालिसिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये गाइज जो स्ट्रेटेजी है आप लोग देखो यहाँ पर 3/2 रेशियोज के कैंडल्स का सारा खेल है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर ट्रेड करोगे, कैसे आप मार्केट एनालिसिस करोगे, क्या ट्रेड एक्सपायरी टाइम रखोगे। तो गाइज मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, जिस भी डायरेक्शन का मार्केट हो आप लोग यहाँ पर देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैं कैंसिल करता हूँ और चार्ट को थोड़ा सा हम पीछे लेकर के जाते हैं, थोड़ा सा और पीछे लेकर के जाऊंगा, और आप लोगों को मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। गाइस स्ट्रेटेजी और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ एडवांस चीजें भी होंगी। देखो तो यहाँ पर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, 3 कैंडल अप जा रही है, उसके जस्ट बाद वाली 2 कैंडल डाउन डायरेक्शन की है। तो अगर आप डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लगाना चाहते हो तो गाइज आप अगली अगली जो कैंडल है उस पर लगा सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3/2 का रेशियो आप लोगों को यहाँ पर मेजर करना है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आपको यहाँ पर यूज करना है और कितना मिनट का एक्सपायरी आपको रखना है। एक चीज मैं बता दूं गाइस, अगर ओटीसी मार्केट में ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो आपको जो ट्रेड एक्सपायरी टाइम है वो 1 मिनट ही रखना है, उससे ज्यादा का आपको नहीं रखना है। पहले एक और ट्रेड मैं आप लोगों को करके यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि क्या कॉन्सेप्ट है। गाइज यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं थोड़ा सा, आप समझने की कोशिश करना कि क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज का। यहाँ पर 3 कैंडल ग्रीन, उसकी अगली 2 कैंडल गाइज आपकी बनती है डाउन डायरेक्शन की, तो आपको तीसरी कैंडल पर ट्रेड लगाना है रेड कैंडल पर, अगर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड आपको लगाना है। तो समझ रहे हो मार्केट कितना डाउन आ रहा है। आपको दोबारा यहाँ पर देखो 2 कैंडल और 3 कैंडल, आपको 2/2 और 2/3 के रेशियो में जाना है। आप यहाँ पर भी देख लो गाइज, मैं आप लोगों को अगर बताऊं यहाँ पर, तो 3 कैंडल आपकी ग्रीन है, 2 कैंडल आपकी रेड बन रही है, तो तीसरी जो कैंडल होगी उस पर मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाऊंगा। गाइज ये आप इसे बग कह लो या कुछ भी कह लो, आप लोगों के लिए काम करेगा नहीं करेगा ये तो जब आप टेस्ट करोगे तब पता चलेगा, बट ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है और इसको मैं काफी टाइम यूज भी करता हूँ, और बहुत ही अच्छा एक्यूरेट मार्जिन भी मुझे मिलता है। तो गाइस वीडियो को आप इसी चीज के ऊपर लाइक कर देना। कुछ एडवांस चीजें भी है जो मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पर 3 कैंडल आपको ग्रीन, उसकी अगली दूसरी जो कैंडल चल रही है अगर ये रेड क्लोज हो जाती है तो मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। 5-4 सेकंड के बाद मैं आप लोगों को एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहां पर अब क्या करूंगा, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड गाइस मैं यहां पर करूंगा। तो देख सकते हो आपकी मल्टीपल ट्रेड्स, ऑलमोस्ट मैंने $1,000 का इन्वेस्टमेंट डाउन डायरेक्शन में किया है। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हो। तो 52 सेकंड्स अभी हमारे पास बाकी है जिसमें रिजल्ट इस ट्रेड का आएगा, लेकिन उससे पहले आप मार्जिन देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम गाइस हमारे एंट्री पॉइंट से लेकर के और जो भी ट्रेड एक्सपायरी टाइम चल रहा है इसमें आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि जब आप ऊपर की डायरेक्शन में देखते हो मार्केट अगर आप जा रहा है और आपको 3 रेड कैंडल के बाद अगली 2 कैंडल ग्रीन मिल जाती हैं, ठीक, यहां पर गाइस आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा एंट्री पॉइंट हमारा। और यहां पर आप लोग देखो, इसको थोड़ा सा मैं कैंसिल करता हूं, और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि कुछ
कुछ टाइम के बाद यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है हमारा और हम ये ट्रेड जो है वो प्रॉफिट के साथ में क्लोज करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मुझे ये कॉन्सेप्ट यूज करके मिलते हैं। और यहाँ पर गाइज फिलहाल सारी जो ट्रेड्स हमारी सारी की सारी ट्रेड्स विन हो चुकी हैं, आप लोग देख भी सकते हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जितने भी ट्रेड्स इस वीडियो में मैंने आप लोगों को लगा करके दिखाए वो सारे के सारे ट्रेड्स हमारे प्रॉफिट में गाइज क्लोज हुए हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई दूसरा एसेट में देखता हूँ जहां पर मैं ट्रेड करके आपको और ये आपको दिखा सकूं और बता सकूं। यहां पर भी सेम देखो, तीन ग्रीन कैंडल उसके बाद दो अगली रेड कैंडल के बाद अगर आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाते तो विन कर जाते। और दूसरा कोई एसेट में देखता हूँ, यूरो यूएसडी, यहां पर गोल्ड देख लेते हैं। गाइज आप वीडियो को लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप यहाँ पर रिजल्ट भी देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ और ट्रेड मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर गाइज आप लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों को अगर कलर यहाँ पर डिफरेंट करके दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग तीन कैंडल या दो कैंडल देखो ग्रीन अगर अप डायरेक्शन के बाद, और उसके अगली दो कैंडल्स अगर आपको रेड मिल जाती है गाइस, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसको क्लिक करके दिखाता हूँ। दो रेड कैंडल मिल जाती है तो थर्ड वाली जो कैंडल होगी गाइस, तीसरी कैंडल पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड आप लोगों को लगाना है। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको कैसे आप यूज कर सकते हो उसके लिए मैं कुछ आपको वीडियो के एंड में कुछ हिंट्स दूंगा जिसको आप और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। गाइज ये कॉन्सेप्ट ओटीसी मार्केट में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। डाउन डायरेक्शन और अप डायरेक्शन कैसे सेलेक्ट करना है, तीन ग्रीन कैंडल्स ठीक है और उसके अगली दो कैंडल अगर रेड तो आपको डाउन डायरेक्शन में जाना है। कॉन्सेप्ट अगर इसके अपोजिट हो जाता है, अप ट्रेड कैसे लगाएंगे ये मैं आपको करके दिखाऊंगा अगर कोई मुझे ऐसी करेंसी मिलती है तो। लेकिन यहां पर आप लोग देखो, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट, कुछ बढ़िया एंट्री अगर मुझे मिलती है। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया एंट्री है, यहाँ पर ट्रेड लेने का बढ़िया मौका है। अगर यहाँ पर मुझे एक अगली कैंडल पर मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड लगा सकता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा कैंसिल करता हूँ। आप लोग देख लो गाइस, तीन ग्रीन कैंडल ठीक है, तीन ग्रीन कैंडल के बाद अगली दो कैंडल अगर रेड बनती है तो मैं इसके अगली जो थर्ड कैंडल होगी उस पर मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाऊंगा क्योंकि कंडीशन हमारी यहाँ पर जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, ये वाली कैंडल डिसाइड करेगी कि क्या हम यहाँ पर ट्रेड लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, रेड कैंडल जो बनेगी तो हम ट्रेड लगाएंगे, अगर रेड कैंडल नहीं बनेगी तो गाइस हम ट्रेड नहीं लगाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, तीन कैंडल्स का आपको ध्यान रखना है, उसके अगली दो कैंडल, तो 3/2 रेशियोज में ये ट्रेड आप विन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है, वेट कर लेते हैं गाइस। अगर हमें रेड कैंडल मिलती है 19 सेकंड के बाद तो हम डाउन ट्रेड लगाएंगे, अदरवाइज हम इसको स्किप कर देंगे 14-15 सेकंड और फिर हम देख लेते हैं गाइस। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा मार्जिन यहाँ से आप कमा सकते हो ये कॉन्सेप्ट यूज करके। बैलेंस यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, देखूंगा रेड कैंडल बनती है या नहीं, अगर रेड नहीं बनेगी तो गाइस देखो यहाँ पर रेड नहीं बनी है तो अब हम यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लगाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोगों को देखना है तीन कैंडल अगर आपकी ग्रीन के बाद अगर अगली दो कैंडल रेड है तो ही आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, तीन कैंडल आपकी क्या थी, ग्रीन थी, ये तीन कैंडल आपकी ग्रीन थी, उसके अगली दो कैंडल आपकी रेड, तो उसके अगली कैंडल पर आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा सकते हो और मार्केट आप देख भी सकते हो कितना बढ़िया डाउन आया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर ये कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे तो आप बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, कोई आपको कुछ नहीं देखना, बस कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। यहां पर भी आप लोग देख लो, तीन कैंडल उसके बाद अगली दो कैंडल और उसकी तीसरी वाली कैंडल भी गाइस डाउन डायरेक्शन में मार्केट यहाँ पर जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ये आप लोगों को शायद यूट्यूब पे ना मिले क्योंकि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस चीजें हैं। अब यहां पर आप लोगों को देखो एक चीज देखने में आ रही होगी, थोड़ा सा अगर मार्केट को यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा असेट जहां पर हम ट्रेड कर पाए क्योंकि ओटीसी में गाइज आप लोग देख सकते हो लिमिटेड चीजें आपको मिलती हैं। यहां पर भी देखो 3/2 के रेशियो में अगर आप लेकर के जाओगे तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं है। आप देखो दो कैंडल ठीक है, उसके बाद क्या, यहां पर भी आप लोग देख लो और किसी भी करेंसी में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जहां पर थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो और फिर हम देखेंगे गाइज यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर भी वही चीज जो मैंने आपको बताई, तीन ग्रीन उसके बाद अगली दो रेड फिर अगली रेड कैंडल पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड हमें लगाना था। और यहाँ पर भी कहीं पर भी आप लोग देख सकते हो, ये हर जगह पर आपको अगर ये कॉन्सेप्ट आपको जब मिलता है ठीक है
और यहाँ पर इंडिसेस में भी आप ये यूज करके देख सकते हो, बट मैं ज्यादातर प्रीफर करता हूँ गाइज ये ओटीसी में यूज करूँ, ठीक है, क्योंकि ओटीसी में मुझे बढ़िया रिजल्ट मिला है। तो मैं ओटीसी में ही आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ओटीसी में ही इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ट्रेड लगाएं, ठीक है। यहाँ पर दो कैंडल आपकी देखो क्या बनी, ग्रीन बनी। तो अब मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अप डायरेक्शन की ट्रेड क्यों करूंगा। आप लोगों ने ये तो देख लिया होगा कि अगर मार्केट अप डायरेक्शन का जा रहा है तो कैसे ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो रिवर्स अगर हम सोचें तो क्या होगा। यहाँ पर तीन रेड कैंडल बनती है गाइस, उसकी अगली दो कैंडल आपकी ग्रीन बननी है, तो जो तीसरी कैंडल होगी उस कैंडल पर मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा। तो मैं आपको दोनों कंडीशन में ये ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, डाउन कब लगानी है, अप कब लगानी है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो वीडियो में हम लोगों ने जो ट्रेड्स किए हैं वो डाउन डायरेक्शन के किए थे, यहाँ पर हमने रिवर्स कंडीशन के ऊपर गाइस अप डायरेक्शन के ट्रेड्स किए हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल अमाउंट के साथ में और बड़े अमाउंट के साथ में यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखो। तो ऐसा नहीं है गाइस कि मतलब रिस्की है ये, ठीक है। मैंने बहुत बार ये कॉन्सेप्ट यूज करके बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट अर्न किया है, और बड़ा प्रॉफिट गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लो कितना सॉलिड मार्केट है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी ट्रेड्स हम लोगों ने ओटीसी में ये कॉन्सेप्ट यूज करके लगाई हैं, आप लोग देख लो, चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो, एक बड़े गैप के साथ में प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। रेड कैंडल आपने तीन अगर डाउन डायरेक्शन की देखी, अगली अगर आपने कैंडल दो, ठीक है, ये दूसरी आपने कैंडल देखी ग्रीन, तो तीसरी जो कैंडल होगी आपकी उस पर आपको अप ट्रेड लगाना है। इसके अपोजिट में अगर मार्केट रहता है, आप देखो अगली दो कैंडल आपकी क्या बनती है, 1 2 3 आपकी रेड या ग्रीन, उसके अगली अपोजिट बनती है, तो जिस डायरेक्शन की कैंडल बनती है उस डायरेक्शन की ट्रेड आपको लगानी है। रेड बनेंगी तो आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाओगे, और अगर कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी तो आप अप डायरेक्शन की ट्रेड लगाओगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गाइस। बहुत आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट भी करके देखा है, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आपको थोड़ा सा फॉलो करने की जरूरत है, जिनको अगर आप फोकस रख करके एडवांस लेवल पर लेकर के जा सकते हो। एक आपको ट्रेंड देखना है, किस डायरेक्शन का ट्रेंड है, ठीक है। ट्रेंड आपको देखना है कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। दूसरी चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ गाइस, आपको स्टेबिलिटी मार्केट की चेक करनी है, ठीक है। जैसे यहां पर आप लोग देखो अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो यहाँ पर आप लोग देखो आपको कंडीशन जब जस्टिफाई हो रही है तो मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग अप जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको डाउन डायरेक्शन के ट्रेंड को जस्टिफाई करना है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे मार्केट में ये आपको रिजल्ट देगा। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ एक दो इंडिकेटर और अगर एक्स्ट्रा यूज कर लेते हो, जैसे कि पैराबोलिक यूज कर लो या जिगजैग यूज कर लो, कॉन्सेप्ट यही रखो, तो आप लोग अच्छे रिजल्ट गाइज इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप अर्न कर सकते हो। बहुत सिंपल है, ओटीसी में ही आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैंने यूज नहीं किए हैं इसलिए मैं आपको सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ गाइस।